आमेर जयपुर के कछवाहा राजवंश की कुलदेवी जमवाय माता का प्रसिद्ध मंदिर जयपुर से लगभग 33 किलोमीटर पूर्व में जमवा रामगढ़ की पर्वतमाला के बीच एक पहाड़ी नाके पर हरी भरी पहाड़ियों की घाटी में स्थित है। जमवाय माता के नाम पर ही यह कस्बा जमवा रामगढ़ कहलाता है। वर्तमान में जमवा रामगढ़ को जयपुर की जल आपूर्ति के लिए बने विशाल बांध के कारण जाना जाता है। यहां पर पर्यटकों का तांता लगा रहता है। जमवाय माता का यह मंदिर रामगढ़ बांध से लगभग 2 किलोमीटर दूर स्थित है। सुरम्य हरियाली से आच्छादित मनोहर प्रकृति की गोद में स्थित यह जमवाय माता का मंदिर बहुत ही आकर्षक दिखाई देता है। जमवाय माता का पौराणिक नाम जामवंती है। इस मंदिर की स्थापना कछवाहा दुल्हे राय ने की थी। ढूंढाड़ में कछवाहा वंश के आने से पूर्व यह स्थान मांच कहलाता था। यहां मीणाओं का शासन था। दुल्हे राय ने मीणाओं पर आक्रमण किया, लेकिन उसे पराजय का सामना करना पड़ा। जब वह घायल अवस्था में था, तब उसे उसकी कुलदेवी जमवाय माता ने दर्शन दिए, जिनकी प्रेरणा से दुल्हे राय ने पुनः मीणाओं से युद्ध किया और विजयी हुआ। तब उसने इस क्षेत्र का नाम अपनी कुलदेवी के नाम पर जमवा रामगढ़ रखा। जिस स्थान पर उसे देवी ने दर्शन दिए, उस स्थान पर उसने जमवा माता के इस मंदिर का निर्माण करवाया। आमेर को राजधानी बनाने से पूर्व जमवा रामगढ़ कछवाहों का केंद्र रहा। आमेर में इस वंश को स्थापित करने में जमवा रामगढ़ ने मुख्य भूमिका निभाई है। रामगढ़ में स्थित भग्न किला और जमवाय माता मंदिर आदि आज भी मीणाओं और कछवाहों की भोली बिसरी यादों को अपने में संजो रखे हैं। इतिहासकारों की मान्यता है कि भगवान राम के पुत्र कुश के वंशज ही कुशवाहा या कछवाहा कहलाए। कुश के वंशज अयोध्या से साकेत, रोहतासगढ़ और उसके बाद मध्य देश आए। यहां नागवंशियों की कच्छप नाम वाली एक शाखा का शासन था। नागवंशी कच्छपों का दमन करने के कारण ही इनका नाम कच्छप घात या कछवाहा पड़ गया। कालांतर में कछवाहा वंशी सोढ़देव के पुत्र दुल्हे राय ने ढूंढाड़ में कछवाहों के राज्य की स्थापना की। चैत्र और आश्विन नवरात्रों में जमवाय माता की पूजा अर्चना बड़े उत्सव और उल्लास के साथ की जाती है। 9 दिनों तक माता के धाम पर धूमधाम से मेला लगता है और बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। जमवाय माता की मान्यता लोक देवी के रूप में है। यहाँ सभी वर्ग एवं जातियों के श्रद्धालु तथा भक्तगण माता के दर्शनार्थ आते हैं। जमवाय माता का भोग सात्विक है। भक्त घी और गेहूं की लापसी का नैवेद्य जमवाय माता को अर्पित करते हैं। पारिवारिक सुख समृद्धि आदि मनोकामनाओं की कामना से नवविवाहित जोड़ों की जात एवं नवजात शिशुओं के मुंडन संस्कार भी यहाँ किए जाते हैं। कछवाहा वंश में जात जुड़ूले के साथ ही पाग के दस्तूर की धोक भी यहाँ अनवरत चलती रही है। इस स्थान के अलावा भी राजस्थान में कई स्थानों पर जमवाय माता के छोटे बड़े मंदिर स्थित हैं। मध्य युग तक जमवा रामगढ़ का यह जमवाय माता मंदिर ही पहला एवं प्राचीन मंदिर था। इसके बाद आधुनिक युग में श्रद्धा भाव के कारण कई जगह ऐसे मंदिर बने हैं। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे भी अपडेट्स पाने के लिए बेल के आइकन पर क्लिक करें।